आज की हमारी वीडियो कि खाद पौधों को किस तरीके से दी जाती है। और ये वाली जो खास खाद मैंने पकड़ी है, ये खाद डालने से पौधों में रोकट लग जाता है, आई मीन पौधे आपके बहुत जल्दी बूस्ट अप होना शुरू हो जाते हैं इस वाली खाद को डालने से। इसमें आपको तरतीब बता दूंगा, ये बता दूंगा कि ये वाली खाद आपको किस जगह से मिलेगी और जस्ट वन खाद आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा बताता चलूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया है। व्हाट्सएप चैनल का फ़ायदा ये हो जाता है कि उसमें आपका नंबर किसी को भी शेयर नहीं हो सकता और आप किसी का नंबर भी नहीं देख सकते। जैसे अगर मैं आपके नंबर देखना चाहूँ तो कभी भी नहीं देख सकूँगा। व्हाट्सएप चैनल का ये फ़ायदा है, आप अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो उसके अंदर मैं डिटेल से चीज़ें गाइड करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। जो छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, मार्केट में जाता हूँ उधर जो इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होनी चाहिए या इंफॉर्मेशन वाली पिक होनी चाहिए, वो आपके साथ फौरन शेयर हो जाएगी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। व्हाट्सएप चैनल का यही फ़ायदा है कि उसमें आप पिक्चर शेयर करें और साथ नीचे लिख के बता दें, जो आपके फॉलोअर दोस्त होंगे उनको फौरन पता चल जाता है। उस व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप खुद ब खुद व्हाट्सएप चैनल पे लिंक खुल जाएगा, आप उसे फॉलो कर लेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा। जहाँ पे आपका स्टेटस आता था, अब वहाँ पे अपडेट लिखा हुआ आता है, आपने उस अपडेट को क्लिक करना है और नीचे व्हाट्सएप चैनल मेरा आ जाएगा, शो हो जाएगा। जब भी कोई नई पोस्ट देखनी होगी तो तब आप उधर जाएंगे स्टेटस की जगह पे, उसे क्लिक करेंगे तो जो भी नई पोस्ट होगी आप उस पोस्ट को वॉच कर सकेंगे। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है व्हाट्सएप चैनल। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे होते हैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर। मैं करूँगा ये कि जैसे आप कुछ बहुत ज़्यादा दोस्त सवाल भी पूछ रहे होते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर सवाल पूछिए, उन सवालों का जवाब मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दिया करूँगा लिख कर। वहाँ पर आसानी भी रह जाएगी और वहाँ पर ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि तमाम फॉलोअर इजीली उस मैसेज को रीड कर सकेंगे। यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में अगर मैं रिप्लाई करता हूँ तो वो एक एक बंदे को शो होता है। अगर किसी दूसरे ने देखना है तो उसे वहाँ पे जाकर उस लिंक पे उस कमेंट को ओपन करना पड़ता है, फिर जाके उसे शो होगा। लेकिन व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सबको शो होना शुरू हो जाएगा। उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर मैंने वो सवाल नहीं पूछा तो दूसरा दोस्त वो सवाल पूछ लेगा, तो आपके माइंड में भी आ जाएगा हाँ ये मेरा भी मसला था और मेरा भी हल हो गया। अभी बात आ जाती है कि इस खाद की तरफ, ये जो मैजिक खाद है इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस खाद को इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ये मेरे पास पौधे जितने भी लगे हुए हैं ये सारे ऑर्गेनिक पौधे हैं, इनके अंदर ये वाली मैंने खाद इस्तेमाल नहीं की, ये केमिकल खाद है। अगर मैं इनके अंदर ये खाद इस्तेमाल करूँगा तो ये इससे भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं इनको ऑर्गेनिक तरीके से लगाया हुआ है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं की। मैं किन पौधों को इस्तेमाल करने वाला हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी सीख सकें कि खाद को देते कितनी मिकदार में और कितने दिनों बाद दे सकते हैं। जैसे देखें, ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, इन पौधों को मैं दूँगा। ये स्ट्रॉबेरी की जड़ें मैं लेके आया था, उनको लगाया और माशाल्लाह से जर्मिनेट होना शुरू हो गई हैं। ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप भी ये वाली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा कि स्ट्रॉबेरी के बीजों को लगाते हैं या इनकी क्या चीज़ें लगाते हैं जिससे स्ट्रॉबेरी के पौधे बनते हैं। तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी बात कर लेते हैं कि इनको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इनको ट्रांसप्लांट किए हुए कोई 3 दिन गुजर गए हैं, तो अब इनको मैंने खाद डालनी है ये वाली। वो कितनी ज़्यादा नीचे गिर गई है ये देखें, अभी ये पौधा बिल्कुल न्यू जर्मिनेट हुआ है। तो इसको मैं कितनी ये खाद दूँगा, इसको मैं 20 से 25 दाने इस्तेमाल करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर इससे ज़्यादा करूँगा तो ये मेरा पौधा ख़राब भी हो सकता है। सिर्फ इतने दाने आपने डाल देने और इसी हिसाब से आपने ये सब पौधों को इतने दाने डाल देने। ये हो गए हमारी ये वाली खाद। अब आ गए ये दो पौधे मेरे पास ब्रोकली के पौधे हैं। बेसिकली मैं अपने जितने भी मेरे पास वेजिटेबल पौधे हैं मैं उनको आप केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर बहुत देर से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा, जो नए दोस्त हैं उनको बताता चलूँ कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हूँ, तो वेजिटेबल पौधों को मैं खाद नहीं देता। ये डेमो के लिए पौधे ग्लासेस के अंदर मेरे पास बचे हुए पौधे थे, उनके ऊपर मैं आपको खाद देने का तरीका सिखा रहा हूँ। जो मेरे पास फ्लावर के पौधे हैं, इस तरह मेरे पास और ज़्यादा जो पौधे हैं जो खाने वाले नहीं हैं उनको मैं केमिकल खाद इस्तेमाल करता हूँ। अब देखें इन पौधों को हम कितनी देंगे, जितनी हमने इनको खाद दी थी इससे हम डबल इनको खाद दे देंगे। ये लें, क्यों पौधा थोड़ा सा बड़े साइज़ का है
तो आपने भी खाद उस हिसाब से उतनी दे देनी है। ये पौधे का जो साइज़ 7-8 इंच के करीब होगा, तो मैंने इसको 35 से 40 दाने डाल दी हैं एक पौधे को। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो पौधा आपका येलो हो जाएगा, फिर मर जाएगा। ये जो खाद जितना ज़्यादा फ़ायदा देगी उससे डबल नुकसान भी आपको दे सकती है, अगर आपसे गलती से भी ज़्यादा खाद डल गई अपने पौधों के अंदर। और जिन दोस्तों से अगर डल गई है तो वो क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर वाली मिट्टी को निकाल लें और उसकी जगह पे नई फ्रेश मिट्टी डाल दें और नीचे जड़ों को ख़राब ना होने दें। जो छोटी मोटी जड़ें टूटेंगी उनकी खैर है, वो फीडर रूट होती हैं, वो पौधा नए सिरे से फिर निकाल लेता है। उस तरह से जिन दोस्तों से ज़्यादा डल गई है खाद, वो अपने पौधों को इस तरीके से बचा सकते हैं। अभी बात आ जाती है कि जब हमने ये खाद डाल दी है तो अब दोबारा कितने दिनों बाद डालनी है, हमने दोबारा इसको 12 दिन बाद फिर से ये खाद इस्तेमाल करनी है। तो इसी तरीके से आपने 12-12 दिन का वक्फा रखकर खाद, यूरिया खाद को इस्तेमाल करना होता है। तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक पौधे की वेजिटेटेड ग्रोथ चलती है। वेजिटेटेड ग्रोथ क्या होती है, जो इसका ग्रीन वाला पोर्शन होता है, जो सब्ज़ा होता है इसका, देखें ये मेरे पास ब्रोकली है ना, जब तक इसका ये सब्ज़ा चलता रहेगा, जब तक इसके अंदर फूल नहीं बनेगा तब तक मैं इसको यूरिया खाद दे दूंगा। लेकिन मुझे एक टाइम पे जाके पता चल जाएगा पौधा मेरा रुक गया, अब इसके अंदर से फूल नहीं निकलना है, तो मैं वहाँ पे जाकर इनको NPK खाद डालना शुरू कर दूंगा। तो NPK खाद से ये होता है कि जो आपका फूल निकलेगा इसके अंदर, जो सब्ज़ी निकलेगी वो हेल्दी साइज़ की होगी, बहुत अच्छा साइज़ बन जाएगा और बहुत जल्दी से बूस्ट अप भी आपकी जो सब्ज़ी है वो होनी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये खाद आपको मिलेगी कहाँ से, इस खाद का नाम क्या है। इस खाद का नाम है जी यूरिया खाद। आपने दुकान वाले को जाके कह देना कि यूरिया फर्टिलाइज़र दे दें, तो वो आपको यूरिया फर्टिलाइज़र दे देगा। इसके मुख्तलिफ नामों से आती है, बब्बर शेर आती है, इस तरह मुझे नाम अभी बोल रहे हैं। तो तकरीबन सारी यूरिया ही होती हैं, लेकिन उनके नाम, ब्रांड के नाम अलग अलग से आपको मिलेंगे। जौन सा मर्ज़ी आपको ब्रांड मिल जाए यूरिया का, आपने यूरिया खाद ले लेनी है। और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, Draaz.com से मिल जाएगी, Amazon से मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते तो आपके घर के करीब कहीं भी नर्सरियाँ हैं, नर्सरियों वालों से ये ईज़िली मिल जाती है, क्योंकि वो अपने पौधों को डालते रहते हैं। और इसके अलावा आप वेजिटेबल मंडी में चले जाएंगे, वहाँ पे जो बीजों वाले होते हैं उनसे भी आप ये वाली खाद ले सकते हैं। ये कितने रुपए की मिलेगी आपको, ये 100 रुपीज़ पर केजी है ये वाली खाद, यूरिया खाद सस्ती खाद है, ये इतनी महंगी खाद नहीं है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी कि पौधों को खाद किस तरीके से देते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो पौधे बड़े साइज़ के हैं, जैसे वीडियो के शुरू में आपने पौधे देखे थे, उनको आप कितनी ये वाली खाद डालेंगे, उनको आप जो चाय वाला चम्मच होता है वो उसका चौथा हिस्सा आपने उस पौधे को देना है, उससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं देना, वरना आपका पौधा ख़राब हो सकता है। मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ, ये खाद जितना फ़ायदा देगी उतना नुकसान भी दे, डबल नुकसान देगी अगर आपसे गलती से भी ज़्यादा डल गई तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।